तो आएगी ऐसी सीडियो माध्यम आधार बेस यूपीआई पिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड लाइव आपको करके भी दिखाएंगे। तो वीडियो इन तक जरूर देखें कि कोई भी पार्ट मिस ना करें एंड वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कोई भी बैंक अगर अपना फोन पे या पेटीएम में कहीं पे भी लिंक करके यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना जरूरी था, लेकिन हाल में ही अभी आरबीआई ने एक न्यू अपडेट डाला है जिससे क्या होगा कि आप आधार बेस यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के भी अपना यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम फुल डिटेल्स के साथ कवर करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे कि ये देख सकते हैं नॉर्मली प्ले स्टोर में अभी क्या है 2.9.5 वाला वर्जन अपडेट है। तो अगर आपके पास 2.9.6 वाला वर्जन है तभी जाके आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप आधार बेस्ड यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या नॉर्मली डेबिट कार्ड ही मांगा जाएगा। तो सिंपल आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा अपडेट करने वाला, या तो फिर आप चाहो तो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन वाला। तो सिंपल डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना कोई भी बैंक लिंक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पर साइड में देख सकते हो। या फिर पूछा जाएगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, अगर चाहो तो डेबिट कार्ड नंबर डाल के क्रिएट कर सकते हो यूपीआई पिन, या फिर अपना आधार नंबर डाल के क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नीचे एक हेडिंग दिखा दिया, मेक श्योर योर आधार नंबर लिंक विथ योर मोबाइल नंबर एंड सेम नंबर लिंक विथ योर बैंक। मतलब बताया जा रहा है कि आपका जो बैंक में मोबाइल नंबर है एंड जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है दोनों सेम होगा तभी आप जो अपना यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो अगर आपका सेम है तो सिंपल आपको अपना जो है कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि अपना आधार नंबर डालिए एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है। जैसे आधार नंबर डालेंगे तो आपके आधार कार्ड से एक ओटीपी आएगा, तो अपना ओटीपी डालने के बाद फिर वही नॉर्मल प्रोसेस होता है कि अपना ओटीपी डालने के बाद अपना जो यूपीआई जो यूपीआई पिन आपको बनाना है वो अपना यूपीआई पिन बना लीजिए एंड उसके बाद क्या करना रहेगा उसको कंफर्म करके अपना नया यूपीआई पिन बना सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि आपको पता अगर आपका एक यूपीआई पिन बन चुका है तो उसके बाद आप क्या करोगे, फोन पे गूगल पे कहीं पर भी लिंक करो सेम यूपीआई पिन से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो गाइस आई होप अगर इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए बाय।